गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे हम लोग को एसक्यूएल पढ़ना है। थर्ड चैप्टर हम लोग का, फोर्थ चैप्टर जो था वो एसक्यूएल के बारे में था। अब एसक्यूएल में हमारा क्या क्या आएगा? टेबल्स, डेटाबेस क्रिएट होगा, टेबल्स क्रिएट होंगी, टेबल्स के अंदर कॉलम्स क्रिएट होंगे, जैसे कि हम लोग का तुम्हारा स्टूडेंट्स की डिटेल्स या स्टूडेंट्स की आईडी वगैरह। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, जैम डाउनलोड सर्च करेंगे। जब जैम डाउनलोड सर्च करेंगे तो हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में हम यहाँ पे एक सर्च में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जैम। ये हमारा जैम कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखो हमारे ये ऑटो पहले से हमारे स्टार्ट पे क्लिक रहेगा। हम इसके बाद में क्या करेंगे, अपाचे क्या करता है, किसी भी वेबसाइट या हमारा जो भी हम बना रहे हैं जिसमें हमारा एक लेआउट तैयार होके, जो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती है जिसमें कोई डेटाबेस नहीं होता है, वो अगर मुझे गूगल क्रोम पे रन कराना है या मोजिला फायरफॉक्स पे या ओपरा पे हमारे रन कराना है, तो उसके लिए हमें अपाचे मॉड्यूल को पोर्ट ऑन करना होगा। इसका पोर्ट नंबर क्या होगा? 80। जिनके लैपटॉप में या सिस्टम में स्काइप इंस्टॉल होगा उनके में ये दिक्कत आ सकती है कि ये स्टार्ट ना हो या हमारा जैम्प इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम कर रहा हो, तो वो हमसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर फिर उसके बाद में हम लोग काम किस पे करेंगे, एसक्यूएल पे, तो एसक्यूएल के लिए हमारे पास ये एसक्यूएल स्टार्ट करना होगा। अब हमने ये दोनों सर्वर अपना स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे ब्राउजर पे, यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश जैम्प, तो ये हमारा एज इट इज ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें हम किस पे काम कर रहे हैं, पीएचपी माई एडमिन में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, पीएचपी माई एडमिन में, इस पे हम क्लिक करेंगे। अभी हम जो वेबसाइट हमारी कहाँ पे स्टोर हो रही है वो चीजें हम नहीं बता रहे हैं। जब हम एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं उसके बाद में हमारी कोई वेबसाइट को फंक्शनल करना, जिसमें डेटाबेस का कनेक्टिविटी, जैसे फेसबुक हो गया, उस पे हम कनेक्टिविटी करते हैं तभी हम साइन अप करते हैं तो हमारा डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, तो वो काम हमारा वेबसाइट के थ्रू होगा। अब वेबसाइट कहाँ पे स्टोर होगी वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सेस डिनाइड वाइसो। इसमें हम लोग गए पीएचपी माई एडमिन में, पीएचपी माई एडमिन से फिर हम लोग कहाँ पर गए, फिर ये हमारा लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेटाबेसेस एसक्यूएल। अब हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है, हम सबसे पहले जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, सबसे पहले कोई टेबल अगर हमें बनानी है, जेआईटी का डेटाबेस,
तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स लेते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, एक बॉक्स लेंगे, फिर उसमें डिप्लोमा सीएस का फोल्डर बनाएंगे, फिर एक हम बीटेक का फोल्डर बनाएंगे। अलग अलग फोल्डर्स में हम अपना रिकॉर्ड रखेंगे ताकि वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट भी ना करें और हमें ढूंढने में भी आसानी हो। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस पे जब हम बनाएंगे तो हम पहले डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेसेस पे गए, अब हमने यहाँ पे एक एसक्यूएल क्वेरी क्रिएट की। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस डेमो सीएसई, राइट। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन किया और यहाँ पे हम गो का बटन दिखाएगा, गो किया। अब देखो मेरा क्या रिटर्न करा है, माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट बिकॉज 0 रोज, क्योंकि अभी इसमें हमने कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, लेकिन ये मेरा टिक हो चुका, दैट मीन्स हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका। अब हमें डेटाबेस के अंदर जाके हमें एक हमें टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो डेटाबेसेस पे जाएंगे। डेटाबेसेस पे गए, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है, हमें पहले सेलेक्ट करना होगा कि हम किस डेटाबेस में हम बनाना चाहते हैं। तो हमने कौन सा अभी क्रिएट किया था, डेमो सीएसई। डेमो सीएसई पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, ऊपर देखेंगे पहले सर्वर आ रहा है, फिर हमारा डेटाबेस डेमो सीएसई दिखा रहा है। दैट मीन्स हमारा अब हम किसके अंदर हैं, डेमो डेट सीएसई के अंदर हैं। तो अब हम इसके अंदर कोई भी हम डेटा टेबल बनाते हैं वो हमारी डेटाबेस के अंदर बनाते हैं। को पहले हम जेआईटी का डेटाबेस बनाएंगे, फिर उसके अंदर जेआईटी के जितने भी स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज क्लासेस सबके लिए अलग अलग टेबल्स बनाएंगे। अब मुझे टेबल्स कहाँ पे क्रिएट करनी है, हमें टेबल्स कहाँ क्रिएट करनी है, डेमो सीएसई के अंदर। हम यहाँ पे गए एसक्यूएल पे गए, हम चाहें तो मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं बिना डेटा क्वेरी के, लेकिन हमें किससे क्रिएट करना है, क्वेरी को लेके। अब देखो हमने एक स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल क्रिएट की। स्टूडेंट्स में हमारा क्या रहेगा, एक इनरोलमेंट आईडी हमारी जो कॉमन रहेगी, जो कि इंट टाइप की होगी, नॉट नल। नॉट नल का मतलब कि हमारे इसमें कोई भी वैल्यू, ये नॉट नल या हमारी प्राइमरी की या फॉरेन की, ये सारे जो क्या कहलाते हैं, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं हैश कंस्ट्रेंट्स। जितनी भी हमारी, जैसे नॉट नल हो गई या हमारी इनरोलमेंट आईडी क्या होगी, हमारी हर एक की इनरोलमेंट आईडी यूनिक होती, यूनिक हुआ ईमेल आईडी भी हम लोग की सबकी यूनिक रहेगी। तो हमारी जो प्राइमरी की रहेगी वो भी हमारा एज अ कंस्ट्रेंट का पार्ट आएगा। अब नॉट नल हम इसके आगे क्या लिखेंगे, हम प्राइमरी की, राइट। नॉट नल प्राइमरी की, ये मेरे क्या हो गए, कंस्ट्रेंट्स। अगर हम फॉरेन की, अब देखो लास्ट नेम हो गया, वो भी हमारा नॉट नल भी हम अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। मींस अब जब भी हम लास्ट नेम एंटर कराएंगे तो वो हमेशा नॉट नल होगा, मींस उसमें कोई कुछ ना कुछ एंट्री होनी चाहिए। विदाउट एंट्री हम उसमें अगर उसको सबमिट करेंगे क्वेरी, जब हम इंसर्ट के टाइम पे सबमिट करेंगे, अगर उसमें हमने कोई एंट्री नहीं की तो वो मेरा एरर दे देगा। नॉट नल का मतलब ये हुआ, फर्स्ट नेम में भी हम चाहे तो नॉट नल लिख सकते हैं, ठीक। ये मेरे सारे क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स। नॉट नल, प्राइमरी की, फॉरेन की। फॉरेन की तब हम बताएंगे जब हम दूसरी टेबल क्रिएट करेंगे, तब हमारा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक। अब देखो ईमेल आईडी,
अब यहाँ पे ईमेल आईडी हमारी यूनिक रहेगी, लेकिन प्राइमरी की नहीं होगी, प्राइमरी की हमारी इनरोलमेंट आईडी। देखो हर एक टेबल में हम एक ही प्राइमरी की ले सकते हैं, या तो हम इनरोलमेंट आईडी को प्राइमरी की मान लें, या तो हम ईमेल आईडी को प्राइमरी की मान लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट एक टेबल में एक से ज्यादा यूनिक पैटर्न हो सकते हैं, यूनिक हो सकता है, प्राइमरी की एक ही हो सकता है। अब जैसे हमारा ईमेल आईडी है, वो हमेशा सबका अलग अलग होना चाहिए, किसी का सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या लगाया, यूनिक। अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने लिमिट्स क्या लगाई है, 255। हमें पता है कि किसी का भी नाम 50 लेटर से ज्यादा का नहीं होगा, मैक्सिमम अगर हम मान ले तो 70 हो सकता है, लेकिन 50 मैक्स होगा। फर्स्ट नेम किसी का भी 50 से ज्यादा नहीं होगा, या लास्ट नेम। हम एक अंडरस्टूड वेरिएबल्स या एंट्रीज कर लेंगे कि हाँ हमें पता है कि इससे ज्यादा नहीं होगा। अब ईमेल आईडी कोई कितना भी बड़ा रखे तो वो 70 से ज्यादा नहीं लिख सकता। अब एड्रेस, एड्रेस मेरा बड़ा हो सकता है, सिटी, सिटी भी आई थिंक 100 वर्ड से ज्यादा की तो नहीं हो सकती। वेर कैर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी यहाँ पे कैरेक्टर और इंटीजर दोनों वैल्यूज। अब देखो इनरोलमेंट आईडी हमारी इंट है, इंट नहीं होगी, क्योंकि जब तुम लोग लिखते हो तो E199 तो वहां पे इंटीजर और अल्फाबेट्स दोनों आते हैं, तो हमारा यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी इंट टाइप होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वेर कैर मैक्सिमम हमारी 20 या 25 डिजिट्स की होगी। सिटी हमने लिख दी, जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे कॉमा सेपरेटेड करते जाएंगे। अब हमारी DOB भी हो जाएगी, DOB, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइप क्या कर लेते हैं, डेट टाइप ऑटोमेटिकली मेरा इसमें ले लेता है। अब ये क्वेरी हम रन कराएंगे, ये मेरी क्वेरी रन हो गई, दैट मीन्स हमारी इसकी टेबल एक क्रिएट हो चुकी है। अब हमको ये टेबल देखनी है कि ये टेबल क्रिएट हुई है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, डेटाबेस में गए, demo_CSE में। अब यहाँ पे देखो जितनी भी टेबल्स तुम्हारी होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देंगे। अब हमने ये स्टूडेंट्स पे गए, अभी मेरी कितनी, 1 टेबल क्रिएटेड हुई है, तो यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है। अब इसका हम जा रहे हैं ब्राउज, अभी यहाँ पे कोई भी टेबल क्वेरी इंसर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। अब हम इस स्ट्रक्चर पे जाएंगे, इस स्ट्रक्चर पे गए, हमें पता है enroll_ID ये क्या है, प्राइमरी की, यहाँ पे ग्रे कलर का प्राइमरी की। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी होगी कि प्राइमरी की मेरी एक टेबल में एक ही होती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होती, लेकिन यूनिक की, यूनिक मतलब डिफरेंट, एक से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट नेम हो सकता है हमारे क्लास में अभिषेक नाम के 2 बच्चे हों, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे क्लास में अभिषेक नाम का एक ही स्टूडेंट हो, अगर दूसरा आ रहा तो वो अभिषेक 1 करके आए, तो ये मेरा यूनिक होगा। यूनिक और प्राइमरी की में डिफरेंस, यूनिक हमारे में ईमेल आईडी यूनिक कर सकते हैं, फर्स्ट नेम भी हम यूनिक कर सकते हैं, मतलब एक टेबल में हम एक से ज्यादा यूनिक की डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब देखो हम SQL पे गए, हमने अब यहाँ पे हमने रोज इंसर्ट करनी है, हमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो हमारे पास मैंने किया इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ब्रैकेट में हम, अब इसमें देखो रिकॉर्ड्स हमें इंसर्ट कराने, हमारे पास क्या है, इनरोलमेंट enroll_ID कॉमा लास्ट नेम, लास्ट नेम